शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी की एक देश एक दल योजना कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा फीका पड़ता जा रहा है। यवतमाल जिले के दिग्रास में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने अजित पवार धड़े के 9 NCP विधायकों को महाराष्ट्र सरकार में शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि बीजेपी के दावे के अनुसार यदि सरकार के पास बहुमत है तो NCP को चुराने की जरूरत क्या थी। दिग्रास शिवसेना विधायक और राज्य के मंत्री संजय राठौर का गढ़ है। राठौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए हैं। ठाकरे ने कहा, एक देश एक कानून समझा जा सकता है, लेकिन हम बीजेपी की एक देश एक दल योजना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ शिवसेना के 40 विधायक बीजेपी के साथ चले गए। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, यदि ऐसी बात है तो NCP को चुराने की क्या जरूरत थी। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी की एक देश एक दल योजना कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा फीका पड़ता जा रहा है। यवतमाल जिले के दिग्रास में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने अजित पवार धड़े के 9 NCP विधायकों को महाराष्ट्र सरकार में शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि बीजेपी के दावे के अनुसार यदि सरकार के पास बहुमत है तो NCP को चुराने की जरूरत क्या थी। दिग्रास शिवसेना विधायक और राज्य के मंत्री संजय राठौर का गढ़ है। राठौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए हैं। ठाकरे ने कहा, एक देश एक कानून समझा जा सकता है, लेकिन हम बीजेपी की एक देश एक दल योजना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ शिवसेना के 40 विधायक बीजेपी के साथ चले गए। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, यदि ऐसी बात है तो NCP को चुराने की क्या जरूरत थी।